आज हम आए हुए हैं ग्राम मोहम्मदपुर बुढ़िया खटीमा क्षेत्र के उत्तराखंड में, जहां पर हमारे किसान मिस्टर बिजेंदर सिंह जी ने अपने सरसों के प्लांट में ट्रॉपिकल कंपनी का एक उत्पाद टैग आउटर का प्रयोग किया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं टैग आउटर के रिजल्ट के बारे में बिजेंदर जी से। बिजेंदर जी, आपने आपके प्लॉट में टैग आउटर का जो प्रयोग किया था तो उसका डोज क्या रखा था आपने? ये 25 लीटर पानी में 10 ml का हमने डाला था। 25 लीटर पानी में 10 ml का डाला था? 10 ml डाला था जी। तो इसका रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है? रिजल्ट तो बढ़िया आया है इसमें, और जो भी घास वास था वो काफी, ये देखो आप सामने सब खत्म हो गया है। हम दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे, जहाँ पर टैग आउटर का प्रयोग हुआ था ये जितने भी है बतुआ मकैया ये लगभग खत्म हो गया है। अच्छा, तो इस जो सरसों के प्लॉट में एक एकड़ में कितनी पैदावार निकलती है? ये हमारे यहाँ तो ऐसे पर एकड़ का 7 क्विंटल के आसपास की पैदावार होती है। एक एकड़ में 7 क्विंटल की पैदावार होती है। तो अगर ये घास की दवा, ये टैग आउटर का प्रयोग आप नहीं करते तो उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती? ये करीब 25-30% की कमी आ जाती है इसमें। अगर 30% की कमी आ जाती है 7 क्विंटल में तो लगभग 2 क्विंटल लॉस हो जाता है उत्पादन में। सही कह रहे हैं? 2 क्विंटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1 क्विंटल का रेट क्या है सरसों का रेट? 5000 है करीब। 5000, तो 2 क्विंटल सरसों का रेट 10000 रुपए हो गया। सही कह रहे हैं? तो एक टैग आउटर जो आपने अपने खेत में डाला है तो इसको डालने के बाद आप 10000 रुपए के नुकसान से बच गए हैं जी। किसान भाइयों, तो यहाँ पर आप भी यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं, तो कैसा रिजल्ट आप लोगों को लगा? बहुत बढ़िया है रिजल्ट इसका। आप लोग संतुष्ट हैं इस प्रोडक्ट से? इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था कि लाही में सरसों के खेत में भी कोई दवा घास वाले पड़ी। हमने तो लाही में अक्सर घास ही देखा है और हम परेशान हो जाते थे काटने के लिए। लाही भी बहुत कमी निकलता था, बिगला बिगला रहता था, लेकिन हमें बहुत बेटर दवाई लगी है। आगे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे।